प्यारे छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। आज क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, वो आपका जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर का नाम है आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन। ये चैप्टर चल रहा था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत। आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत इसको हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें आगे आज देखना है सम इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड रिलेटेड टू हेरिडिटी आनुवंशिकता से संबंधित कुछ टर्म्स शब्द देखेंगे, उनको समझेंगे ताकि हमको क्रॉस कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है क्रॉस आर हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस या उसको क्या बोलते हैं, संकरण, संकरण। तो ध्यान रखेंगे क्या है संकरण, मेन तो इसमें संकरण ही चलेगा पूरे जेनेटिक्स के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे किसी जाति के दो भिन्न गुणों के बीच लैंगिक रूप से मिलान कराने की प्रक्रिया, उनको मिलाने की क्रिया, ये कहलाती है क्रॉस, या इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो किसी भी बताया गया किसी भी जाति के, किसी भी स्पीसीज को ले लीजिए, उसके कह लीजिए दो भिन्न गुणों के बीच, कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराने की जो प्रोसेस है, उनके बीच जो क्रॉस कराते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन, या इसको बोलते हैं संकरण। इनमें से एक मेल कैरेक्टर होगा और दूसरा फीमेल कैरेक्टर होगा, नर मादा गुणों के बीच लैंगिक रूप से उनको मिलाने की क्रिया, ये कहलाती है क्रॉस। जैसे मान लीजिए कि हम लिए, ऐसा समझे, अब यहाँ चूंकि जेनेटिक्स में मेंडल के हिसाब से चलना है, तो जैसे आपने लिया टाल प्लांट, इसका आपने क्रॉस का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, ये क्रॉस करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं। ड्वार्फ प्लांट से लिए आपने, ड्वार्फ प्लांट, इसमें से एक कैरेक्टर को हम मेल माने कि मेल के तरफ से है, दूसरा फीमेल के तरफ से है, तो इनके बीच जब हम क्रॉस कराएंगे तो इनसे जो लक्षण आएगा वो, ये पैरेंटल पीढ़ी है, ध्यान रखना ये पैरेंटल पीढ़ी, P1 P2 लिख सकते हैं या P1 जनरेशन लिख सकते हैं, ये पेरेंट्स हैं, इनमें से पेरेंट्स के मेल और फीमेल कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन आएगा तो उसको ध्यान रखेंगे वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड होगा, ध्यान रखेंगे यानी संकर होगा। तो इनसे जो कह लीजिए कि जब हम किसी जाति के दो गुणों के बीच, नर और मादा के बीच उनके कैरेक्टर्स को, गुणों को मिलाते हैं, क्रॉस कराते हैं, जो भी कह लीजिए मिलाते हैं, तो कहलाता है क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन, और उससे जो संतत प्राप्त होगी आगे वो क्या कहलाएगी, हाइब्रिड, उसको बोलेंगे संकर, हाइब्रिड कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इसी में जो क्रॉस कैरेक्टर को लेकर के हम कराते हैं, अभी आगे आएंगे सब क्रॉस कराएंगे, देख कैसे कराते हैं, तो वहां सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जब हम कराते हैं तो किनके बीच कराते हैं, जो कहलाते हैं एलील, युग्म विकल्पी, ALEL, एलील, ES,
एलिल्स या एलिल्स को बोलते हैं एलिलोमॉर्फ, अथवा इसको बोल सकते हो एलिलोमॉर्फ, एलिल और एलिलोमॉर्फ। क्या है एलिल, क्या है एलिलोमॉर्फ? अगर देखिए तो ये पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी पर्यायी लक्षण, विरोधी लक्षण जिसको बोलते हैं, जैसे लंबा पौधा उसका विरोधी क्या होगा, भवना पौधा, तो ये कहलाएगा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये है विरोधी लक्षण है, भी पर्यायी लक्षण जिसको बोलते हैं। तो ये पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड अदर इज रिसेसिव, एक प्रभावी लक्षण है उसमें दूसरा क्या है अप्रभावी लक्षण, इसको ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल जैसे ये ले सकते हैं आप कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें दोनों कैरेक्टर आ गए, कहां से आए, पेयर ऑफ कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर इसको बोलते हैं क्या, ट्राइट कार्ड इज एलिल और एलिलोमॉर्फ। तो ये विरोधी गुण होते हैं, जैसे टाल प्लांट जब आप कहते हो टाल प्लांट, तो टाल प्लांट यानी लिखते हो क्या उसके लिए कैपिटल टी टी, इसका भी पर्यायी कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसका होगा ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट बौना पौधा, तो ये स्मॉल टी लिखते हो, ये उसका भी पर्यायी लक्षण है, ये दोनों साथ में जाएंगे जब आप क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी कैरेक्टर को अपने प्रेजेंट करेगा दिखाएगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, वो आप बाद की बात, परंतु ये इसको आपको ध्यान में रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इनको बोलते हैं एलिल, एलिल इसको ध्यान रखें। मेंडल ने जो है फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी, ध्यान रखना मेंडल के समय में, ना ही मियासिस सेल डिवीजन की खोज हुई थी, लेकिन मेंडल एक अनुमान लगा लिया था इस तरीके से कि भविष्य में इस तरीके से जो बातें खोज करने का श्रेय वास्तव में ये कह लीजिए मियासिस की जो खोज होने का श्रेय मेंडल ने ही उसको संकेतित किया था किस तरीके से होता है। तो ये फैक्टर है, कारक शब्द, इनको कारक प्रयोग करेंगे, जोड़े में पेयर में रहेंगे, जो लक्षणों की अभिव्यक्ति करेंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को अभिव्यक्त करेंगे, वो फैक्टर कहलाएंगे, इनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा शब्द एक टर्म आता है, एक टर्म और आता है इसमें, ध्यान रखिएगा लोकस, लोकस लोकाई, लोकस क्या है, लोकस जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलागस क्रोमोसोम्स उनके ऊपर जीन का स्थान है, जहां पर जीन पाए जाते हैं स्थित होते हैं, दीज आर लोकस। इन ईच होमोलागस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम जानते हैं एक पेयर माने होमोलागस क्रोमोसोम का पेयर होता है, तो इन ईच होमोलागस क्रोमोसोम्स द जीन, जीन कहां पर है बता दिया गया, जीन कहां पर स्थित होते हैं, जीन फॉर ईच ट्रेट्स अकर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट कॉल इज लोकस, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो जीन्स हैं होमोलागस क्रोमोसोम्स के ऊपर उनके कह लीजिए एक विशिष्ट स्थान पर होते हैं, पाए जाते हैं, उस स्थान को लोकस बोलते हैं। आजकल साइंटिस्टों ने जीन की खोज की, जोहानसन ने जीन को खोज किया है, हेरेडिटिक यूनिट आनुवंशिकता की इकाई है जीन, जीन की उस समय चूंकि खोज नहीं हुई थी, जोहानसन ने, जोहानसन नाम का साइंटिस्ट है जिसने जीन को बाद में खोजा है और उसको हेरेडिटिक यूनिट माना है, आनुवंशिकता की इकाई माना है, और जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो किससे बने होते हैं, उनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और डीएनए का खंड ही जीन कहलाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है कि आनुवंशिक जो कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो ले जाते हैं वो जीन ले जाते हैं, मेंडल के समय जीन की खोज नहीं हुई थी, उनके स्थान पर उसने फैक्टर शब्द इस्तेमाल किया था, टर्म फैक्टर का मतलब होता है कारक, इसको याद रखना है आपको।
दूसरी बात होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस, ये टर्म है समझे इनको आप, होमोजाइगस, होमोजाइगस को बोलते हैं सम युग्मजी, सम युग्मजी होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, एन इंडिविजुअल ध्यान रखेंगे हैविंग टू सिमिलर एलील्स, एलील्स जो है जिनको आप युग्म विकल्पी बोल रहे हो वो सिमिलर हैं किसी उसमें, तो वो कहलाएंगे क्या, उनको बोलते हैं होमोजाइगस। एन इंडिविजुअल हैविंग टू सिमिलर एलील इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी टी टाल प्लांट के लिए लिखते हैं, स्मॉल टी डॉल प्लांट के लिए, तो ये होमोजाइगस हैं, ये भी होमोजाइगस हैं, दीज आर होमोजाइगस, ये समयुग्मजी हैं, क्योंकि इनसे जो गैमिट बनेंगे एक जैसे बनेगा, ऐसा आप ले लीजिए ज्यादा बेटर है, इनसे जो गैमिट बनेंगे दोनों गैमिट कैसे बनेंगे एक जैसे, इसे बनाएंगे तो कैपिटल टी बनेगा, इससे बनाएंगे तो स्मॉल टी बनेगा, तो एक जैसे जब गैमिट बनेंगे फॉर्म करेंगे तो ये कहलाएंगे होमोजाइगस। बहुत सिंपल सी बात है, एंड इंडिविजुअल हैविंग टू सिमिलर एलील इज कॉल्ड होमोजाइगस, कैपिटल टी टी आर स्मॉल टी टी, कैपिटल आर आर स्मॉल आर आर, दोनों फैक्टर जो है सेम, इनसे यानी गैमिट जो बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे, ये होमोजाइगस कहलाएगा। और दूसरा टर्म इसी में होता है हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस हिंदी में इसको बोलते हैं विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, सम युग्मजी और विषम युग्मजी की हम लोग अब बात कर रहे हैं, विषम युग्मजी की बात करेंगे। हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस को भी उसी के रूप में आप डिफाइन कर लीजिए जो होमोजाइगस को कहे, एंड इंडिविजुअल हैविंग, यहाँ होमोजाइगस की बात कर रहे हैं, और हेटरोजाइगस में, हेटरोजाइगस में विषम, विषम यहाँ पर सिमिलर से, यहाँ भी हेटरोजाइगस में कैसे होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, यानी यहाँ पर दो प्रकार के गैमिट कह लीजिए बनाएंगे, तो ऐसे एलील को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हेटरोजाइगस विषम। जैसे आपने लिया एग्जांपल स्वरूप कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से है, इससे गैमिट बनेगा क्या बनेगा, गैमिट कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी, इससे गैमिट बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा स्मॉल आर, ये बन रहा है इस तरीके से, तो कहने का मतलब यह है कि ये दो प्रकार का गैमिट बना रहा है। वहां पर होमोजाइगस में कैपिटल टी टी था तो इससे जब गैमिट बनता था तो कैपिटल टी बनता था गैमिट, एक ही प्रकार के गैमिट बनाते थे, यहाँ पर दो प्रकार के गैमिट का निर्माण कर रहे हैं ध्यान रखेंगे, तो ये कहलाएगा हेटरोजाइगस। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर है वास्तव में, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ साथ है, डोमिनेंट कैरेक्टर को ये प्रकट रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव क्या होगा ये दबा रहेगा, तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर हैं, तो हेटरोजाइगस और होमोजाइगस इनको विधिवत आप डिफाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। होमोजाइगस में दे कैरी आइदर डोमिनेंट आर रिसेसिव कैरेक्टर, कोई एक ही वो करेगा, बट यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स को ये क्या करेगा इंक्लूड किए हुए, ये टर्म्स हैं जिनका हम यूज करते हैं इसमें हेरिडिटी वेरिएशंस में, तो इनको इसलिए इनको आपको याद रखना है। वैसे हम लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना है, मेंडल्स के लॉ देखने हैं, तो आइए देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पहले। मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर प्रसंकरण यानी क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किस तरीके का क्रॉस कराते हैं, ये क्रॉस कराते हैं सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स, एक जोड़ी अभिप्राय, एक जोड़ी कह लीजिए विपर्यायी लक्षण के साथ। विपर्यायी मैंने विरोधी लक्षण, लंबा पौधा उसका विरोधी पौना पौधा ऐसा। तो एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो when a cross is made between single pair of contrasting characters it is known as monohybrid cross। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि जब हम एक ध्यान रखेंगे एक कह लीजिए जोड़ी कैरेक्टर्स के साथ एक जोड़ी सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स एक जोड़ी क्या कह लीजिए कि विपर्यायी लक्षण के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर वन जीनिक क्रॉस भी है, एक जीन उसी के लिए शब्द प्रयोग करते थे तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। जैसे ध्यान रखेंगे इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्रॉस किसके बीच हम करा सकते हैं। ध्यान रखेंगे क्रॉस टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट किसके बीच कराएंगे, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। वन पेयर कैरेक्टर्स हुआ, लंबे पौधे का किससे करा रहे हैं बौने पौधे से, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। इसी तरीके से क्रॉस किसके बीच करा दें हम, क्रॉस बिटवीन इनके बीच करा लीजिए आप रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच, या राउंड सीड एंड रिंकल सीड, जो भी कैरेक्टर लिखिए ये पेयर में है। जैसे टाल प्लांट, टाल प्लांट इसका हम क्रॉस करा दें किससे, ड्वार्फ ड्वार्फ प्लांट से इससे करा दें। या हम मान लीजिए राउंड सीड का, राउंड सीड इसका क्रॉस करा दें किससे करा दें हम, रिंकल्ड डब्ल्यू आर आई एन के एल ई डी रिंकल्ड सीड, झुर्रीदार बीज पिचके हुए थोड़ा सा, और राउंड माने गोल स्मूथ है इनके साथ करा दें। इसी तरीके से पर्पल पी यू आर पी एल पर्पल फ्लावर का इसका क्रॉस करा दें हम व्हाइट फ्लावर से, व्हाइट फ्लावर से करा दें, एक्जिल फ्लावर का टर्मिनल से करा दें। जो भी कैरेक्टर सेवन पेयर आपको उस दिन कैरेक्टर बताए गए थे कुछ लेकर के आप क्रॉस करा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। येलो सीड कॉटिलीडन उसका यानी, और उसका ग्रीन से करा दें। वन पेयर कैरेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस कराएंगे वो कैसे कैरेक्टर्स हैं ध्यान रखेंगे जिनको हम करा रहे हैं, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स विपर्यायी लक्षण है, विरोधी लक्षण है एक दूसरे के, उनके बीच मटर में सात जोड़ी विरोधी कैरेक्टर थे, सातों जोड़ी विरोधी कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया गया। मेंडल का सौभाग्य ही था कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे इसलिए उनको रिजल्ट प्राप्त होगा, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। देखेंगे हम लोग एक क्रॉस करा के देखते हैं कैसे कराते हैं तो समझ में भी आ जाएगा। देखिए समझिए इसको व्यवस्थित ढंग से ताकि आपको दिक्कत न हो। जैसे हम लोगों ने लिया मान लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टाल प्लांट, टाल प्लांट इसका क्रॉस हम करा रहे हैं ड्वार्फ प्लांट से, ड्वार्फ प्लांट से। ये पेरेंटल जनरेशन है ध्यान रखेंगे, पेरेंटल पीढ़ी है। उस दिन हम मेथड बताए थे कैसे कराते हैं पुष्प के, ये चूंकि कैसा होता है ये बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, नर मादा दोनों होते हैं, तो हम ई मैस्कुलेशन करते हैं,
इमैटुरेशन का मतलब एक पुष्प का एक पौधे में, जैसे लंबा पौधा है टाल प्लांट है, दूसरा बौना पौधा है, तो लंबे पौधे के पुष्प को खिलने से पहले ही नीडिल कैंची की सहायता से खोलकर उसके स्टेमेन को कट करके निकाल देते हैं, केवल उसमें फीमेल पार्ट रहता है, और बैगिंग भी कर देते हैं बोरा वस्त्राकरण से, रूप उसको एक कह लीजिए पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि दूसरे का पालन ग्रेन न आए। इसी तरीके से जो डॉर्फ प्लांट बौना पौधा है उसके पॉलन ग्रेन्स को ले आकर के उस पर छिड़क देंगे, उसके स्टिग्मा पर क्रॉस हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी अब उसके बाद में निषेचन फर्टिलाइजेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये टॉल प्लांट लिया गया डॉर्फ प्लांट, ये पेरेंटल सीढ़ी है, यहाँ ध्यान रखेंगे ये P1 जनरेशन लिख देते हैं, जेनरेशन यहाँ दोनों बातें हैं, इनको लिख देते हैं कभी कभी P1 और P2, यानी ये पेरेंट मेल पेरेंट फीमेल ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं, या पेरेंटल जनरेशन है उसको बता सकते हैं, P1 जनरेशन है। तो यहाँ पर अब इसके लिए जो कारक लेते हैं फैक्टर जीन, ये कैपिटल टी पेयर में होते हैं एलील, यहाँ पर स्मॉल टी डॉर्फ प्लांट है ये लेंगे, और इसके बाद में इनसे गैमिट बनेगा, तो गैमिट बनेगा, दोनों गैमिट एक जैसे बनेंगे, ये होमो कैसे हैं, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस ही है, दोनों से एक जैसे गैमिट बन रहे, इससे गैमिट बनेगा कैपिटल टी, चाहे तो एक और लिखें, एक ही लिख लीजिए, यहां पर गैमिट बनेगा स्मॉल टी, ये गैमिट है, गैमिट। अब यहां पर ये दोनों जब मिलेंगे, दोनों का मिलना ही तो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, क्रॉस है, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होगा ये फोन जनरेशन, फर्स्ट पीढ़ी है, ये फोन जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये पहली पीढ़ी जो आती है तो हमेशा हाइब्रिड होती है, संकर होती है, क्योंकि दो का क्रॉस आपने कराया है, और ये क्रॉस इनके इच्छा से नहीं, आपने जबरदस्ती कराया है, तो क्योंकि ये स्वपरागण नहीं कराया है आपने, यहाँ क्रॉस कराया है, क्रॉस पॉलिनेशन की बात थी, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बने, जो ये होगा हाइब्रिड, हमेशा पहली पीढ़ी हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड टॉल प्लांट, हाइब्रिड टॉल प्लांट आएगा, हाइब्रिड टॉल प्लांट आया, तो ये मिक्सचर हो गए कैरेक्टर दोनों के। अगर अब आगे ध्यान रखेंगे F2 पीढ़ी की बात करें, अगली जनरेशन को अगर देखेंगे तो हम इनका अगर सेल्फ पॉलिनेशन होने दे, स्व परागण होने दे, यानी इसी का इसी से, दूसरे से हम क्रॉस न कराएं, स्व परागण, तो ऐसा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करा रहे आगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, यही आया है इसी का इसी से, यानी स्व परागण की क्रिया, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया। तो इसका जब कराएंगे तो चाहे आप लाइनर करें, चाहे आप कह लीजिए कि उसको चेकर बोर्ड ज्यादा ठीक रहेगा बनाने की प्रक्रिया है, ये ऐसा आप बना लीजिए, ये है चेकर बोर्ड, ये चेकर बोर्ड कहलाएगा आपका, यहाँ सीध में इसके लिखेंगे आप गैमिट, GAMETE, इधर चिन्ह बनाए मेल का तो इधर बना ले आप फीमेल का, इसके लाइन के सीध में ही लिखना, ऊपर का इधर का गैमिट मेल हो गैमिट होगा, नीचे का फीमेल, तो गैमिट दोनों सेम है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है और स्मॉल टी, इनके बीच आप क्रॉस करा रहे हैं, तो ये बनेगा कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहाँ से यहाँ, तो कैपिटल पहले लिखते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये और ये यहाँ स्मॉल टी, ये जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा F2 जेनरेशन, ये F2 जनरेशन है, ध्यान रखेंगे ये दूसरी सेकंड जनरेशन है, पीढ़ी है। तो यहाँ क्या होगा, ये होगा आपका प्योर टॉल प्लांट,
ये होगा हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल, ये होगा हाइब्रिड टाल, दोनों के कैरेक्टर मिल रहे हैं यहाँ, हाइब्रिड हो गया टाल। ये है ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ कहें चाहे ड्वार्फ, बौना पौधा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर ये जो रिजल्ट आया है, हम नीचे लिखेंगे जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में, कि ऊपर से जब देखेंगे कैरेक्टर फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप के अनुपात आपको बताने हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप माने ऊपरी तौर से देखने पर जो लक्षण दिखाई देंगे, ऊपर से माने दूर से देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली बाहर से, ये भी लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा, जीन थोड़ी आप देख पा रहे हो। तो ये 75% पौधे लंबे दिख रहे हैं और 25% यानी एक हिस्सा दिख रहे हैं, तीन हिस्सा लंबे दिख रहे हैं, तो एक बौना दिख रहा है, डॉर्फ प्लांट है। तो यहाँ पर ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि फिनोटाइप में अनुपात जो आएगा 3:1 का अनुपात प्राप्त होगा, यानी ये होंगे टाल प्लांट, टाल प्लांट अनुपात ए रेसिव उसका देखिए, ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, तो ये 3:1 का रेसिव आएगा, ध्यान रखेंगे 3:1 का अनुपात आएगा टाल और उसके। और जीनोटाइप देखेंगे जीन, तो ये प्योर टाल है, इसके कैपिटल टीटी है, देख रहे हो जीन, ये आपका यहाँ हेटरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हेटरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी है, अलग है ये और ये अलग है, यानी 1:2:1 1:2:1 यानी प्योर टाल, प्योर टाल प्लांट रेसिव हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल और ये ड्वार्फ, ड्वार्फ। तो जीनोटाइप को जो जो यहां पर 1:2:1 का रेशियो है, यहाँ 3:1 का रेशियो है फिनोटाइप में। अब इस तरीके से आपको ये करना रहेगा, यह है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये मेंडल का दूसरा नियम भी है, बाद में नियम की हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। इसी तरीके से देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आज हम लोग टेक्निक देख लें, आगे बाकी चीजें करेंगे, क्रॉस कैसे कराते हैं ये तो देख ही ले आप। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये दुई संकर क्रॉस देखना है आपको, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या लेते थे, उसमें हम सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते थे, एक जोड़ी भी पर्यायी लक्षण को लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या लेंगे, 2 pair आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेंगे, 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराएंगे। तो व्हेन ए, ध्यान रखेंगे क्रॉस, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 pair ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 संकर क्रॉस होगा यहाँ, जब हम 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों को, 2 जोड़ी भी पर्यायी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्रॉस जब हम कराएंगे ध्यान रखेंगे, तो जैसे हम क्रॉस कराते हैं टाल प्लांट एंड राउंड सीड, या येलो एंड राउंड सीड, येलो उसका कलर है कॉटिलीडन का, और राउंड यानी बीज कैसे हैं, गोल है, ऐसा ले लीजिए। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए समझिएगा, इसको भी हम मिटा दें, जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ही चल रहे हैं हम लोग। जैसे ले लिए, मान लीजिए
राउंड ROUND राउंड एंड येलो येलो सीड, इसका क्रॉस कराते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ग्रीन सीड ये P1 जनरेशन है, पेरेंटल पीढ़ी है बेटा, ध्यान देना। दो जोड़ी है यहाँ कैरेक्टर, दोनों को लिया गया है। बीज कैसा है, राउंड है और येलो उसका कलर है कॉटिलीडन का, यानी ऐसा बीज है। मिटा देंगे हम, एक बार बना दे रहे हैं, ऐसा राउंड है, गोलाकार बीज है ऐसा। और यहाँ पर बीज कैसा है, रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, ऐसे पिचके हुए बीज है। यहाँ पर जो कॉटिलीडन है वो येलो कलर का है, पीले रंग का है, पीला कॉटिलीडन यहाँ का कैसा है, दाल इसकी जो दालें होंगी कॉटिलीडन अंदर की वो पीली होंगी येलो कलर में, और यहाँ की कैसी होंगी, ग्रीन होंगी। ये हरे रंग से मैं खींच रहा हूँ, उसमें डायग्राम आपको जितना दिख सक रहा हो कैमरे में, ये ग्रीन है। ये कैरेक्टर लेकर टू कैरेक्टर्स हैं, टू पेयर है, टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, कैसे कैरेक्टर, कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर, भी पर्यायी लक्षण, इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, मिटा रहे हैं हम इसको। अब यहाँ दिन लिख लीजिए, इसके लिए ले लीजिए कारक फैक्टर, राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई ध्यान देना, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। यहां से गैमिट बनेगा तो आएगा, गैमिट आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहां गैमिट बनेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमिट है, गैमिट। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे संकर होगा, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जानते हैं, तो ये मिलेंगे, जीव का निर्माण होना है नई जनरेशन के लिए, तो ये हाइब्रिड होगा। ये P1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या आएगा, हमेशा हाइब्रिड आता है, ये होगा हाइब्रिड, हाइब्रिड राउंड एंड येलो सीड, राउंड एंड येलो सीड। प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, एक लक्षण दिखेगा, या तो राउंड दिखे या तो रिंकल, राउंड प्रभावी है, डोमिनेंट कैरेक्टर है वो दिखेगा, और ये रिसेसिव कैरेक्टर है दब जाएगा। येलो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है वो दिखेगा, और वो ये रिंकल्ड उसके बाद ग्रीन जो सीड का कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है वो दब जाएगा। तो यहाँ पर ये दिखेंगे केवल, हालांकि ये हाइब्रिड है, जीन उनके भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बट वो अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब इनसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब चलेंगे तो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी के लिए इनका यहाँ आपने क्रॉस कराया है। ये पौधे में जो सीड था उसका राउंड और येलो था, और दूसरे पौधे में रिंकल्ड और ग्रीन था, उनके कैरेक्टर्स के बीच आपने क्रॉस कराया है, तो ये हाइब्रिड हो गए। आपने क्रॉस यहाँ कराया है, ये ध्यान रखिएगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं था, आपने क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ये कराया। आगे इनको हम बो देंगे बीज, बीजों को, पौधे तैयार होंगे उनमें अब हम क्रॉस न कराएं, उनको सेल्फ पॉलिनेशन होने दें, स्वयं परागण होने दें, तो क्या रिजल्ट आएगा, इससे चार प्रकार के गैमिट बनेंगे, ध्यान देना, इससे चार प्रकार के गैमिट। गलती आपसे यही होती है गैमिट बनाने में, तो यहाँ गलती न करना, गैमिट सही ढंग से बनाएंगे तो बनने लगेगा। ये बनेगा गैमिट, ध्यान रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमिट बनेंगे, चार प्रकार के गैमिट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, पहले इसका इन दोनों से फिर इसका इन दोनों से, ये आपकी गैमेट बनेगी। अब इसके बाद आप चेकर बोर्ड बनाएंगे, उस मेथड से ही करें ज्यादा ठीक होगा। चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ जगह कम है फिर भी मैं खींच रहा हूं, कहाँ ले लें आप, यही ले रहे हैं, जगह कम है फिर भी करना तो है ही, ये ले रहे हैं, ये चेकर बोर्ड खींचिए यहाँ पर, ये आज आप टेक्निक सीख रहे हैं, इसके बाद आप करेंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ लिखेंगे आप, ये जो भी आएगा वो होगा F2 जनरेशन, यहाँ लिखेंगे आप गैमिट, इधर मेल का चिन्ह बना लीजिए और इधर फीमेल का, फीमेल का। अब गैमिट आप जो है लिख दीजिए, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल Y, स्मॉल R कैपिटल Y, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे इधर भी लिखना है इसके सीध में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, करा दीजिए। क्रॉस कराना है आपको तो आप क्रॉस कराइए, ये और ये यहाँ, ये और ये यहाँ, ये और ये यहाँ, ये और ये, ये और ये यहाँ, ये और ये यहाँ, ये और ये यहाँ, ऐसे पूरे करना है। ये होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ध्यान देना, ये होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये यहाँ, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये और ये यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही पूरे को करा लीजिए आप, ये भी कैपिटल आर कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये और ये यहाँ, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल को पहले लिखते हैं, ये और ये यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, अब ये तीसरी लाइन में, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट लाइन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये इस तरीके से आप क्रॉस कराएंगे, ध्यान रखेंगे ऐसे आप क्रॉस करा लेंगे व्यवस्थित ढंग से, और फिर इनका लिख दीजिए। आप जानते हैं कैपिटल आर जिन में आया होगा वो राउंड होगा, यहाँ रिजल्ट मैं बगल में लिख रहा हूं, उसका गिन लीजिए आप कितने राउंड एंड येलो सीड हैं, येलो सीड ये कितने आए आपके, फिर राउंड एंड ग्रीन सीड कितने हैं, ग्रीन सीड कितने आए, इनको बराबर, फिर आपका जो है रिंकल्ड एंड
कैसे राउंड सीड ये येलो सीड रिंकल्ड एंड येलो वाई ई डबल येलो डब्लू येलो सीड, फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ये कितने हैं ये निकाल दिए। देखिए जिनमें कैपिटल आर है वो सभी राउंड होंगे, कैपिटल वाई है तो येलो होंगे। देखिए ये राउंड येलो है, जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, संकेत कर रहा हूं। ये राउंड येलो है कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें भी है राउंड येलो है, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो है, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो है। इधर देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल राउंड कैपिटल वाई है तो येलो है, ये राउंड है बट स्मॉल वाई वाई है ये ग्रीन है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है ये राउंड और येलो है, ये भी कैपिटल आर राउंड तो हो जाएगा बट यहाँ स्मॉल वाई है ग्रीन होगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है यहाँ ये राउंड येलो होगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो होगा बट यहाँ रिंकल्ड होगा स्मॉल आर रिंकल्ड होगा स्मॉल आर, ये राउंड और येलो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और ये बस ये तो राउंड होगा बट ग्रीन होगा। तो अभी देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, नौ पौधे आपके नौ इस तरीके से मिल गए राउंड एंड येलो सीड मिल लेंगे। इनके अंदर आपको लिखना रहेगा, जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, बोल रहा हूँ उसको आपको लिख लेना रहेगा राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, इतना लिखे तो भी चलेगा। अब देखिए दूसरा नंबर आइए, ये राउंड एंड ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन सीड देखना है आपको, तो राउंड एंड ग्रीन एक हुआ, इसके लिए चिन्ह ऐसा दिखा देना, राउंड एंड ग्रीन ए हुआ कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा, स्मॉल वाई वाई ग्रीन ये तो नहीं है राउंड, एक ये राउंड है राउंड एंड ग्रीन ये भी है कैपिटल आर है स्मॉल वाई वाई, तो राउंड एंड ग्रीन आपके तीन है, और ये है रिंकल्ड एंड येलो सीड, ये रिंकल्ड येलो सीड एक रिंकल्ड येलो दो और रिंकल्ड येलो तीन, ये तीन जो है आपके रिंकल्ड एंड येलो है, और लास्ट का एक देख रहे हैं आप ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड ये एक है। तो यहाँ पर जो रेशियो आपका आया 9:3:3:1 तो 9:3:3:1 का ये जो आपको रेशियो प्राप्त हुआ 9:3:3:1 ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है द्विशंकर क्रॉस है। आगे हम इसके जीनोटाइप निकालना बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं, और ये क्रॉस मेंडल का ये थर्ड लॉ है तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस समय एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो यहाँ पर मेंडल के तीनों नियम पहले पहला दूसरा नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत है, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत हैं, और मेंडल का तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत है। तो ये इतना आज के लिए पर्याप्त है, हम लोग इतना करेंगे इसको तैयार करेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके लिए और ज़्यादा हम वीडियो बना सकें, इसको देखिएगा कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बात